गांव में, तो आपको दिखाते हैं कि इस गांव में जो आप देख सकते हैं कि यहां पे बिल्कुल प्योर मिट्टी से घर बने हुए हैं, बिल्कुल ये पुरानी तस के घर हैं। यहां पे कोई भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई सीमेंट बजरी का काम नहीं है, बिल्कुल ये हाथ से मकान बनाए गए हैं। ये बिल्कुल मिट्टी से घर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे वो गारे और मिट्टी से, यानी कि मिट्टी का गारा बनाकर इसमें वो कच्ची मिट्टी के ईंटों की चिनाई करके ये घर बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और मुनफरिद बात जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बड़ी दीवारें तो नहीं है, बिल्कुल छोटी सी दीवारें हैं। चोलिस्तान का जो कल्चर है, ये लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। यहाँ पे ये आप घर देख सकते हैं जिस घर में हम मौजूद हैं, यहाँ पे एक कोने में, यहाँ पे इनको पानी के लिए भी बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी ये पानी पीने के लिए अपने इन कच्चे मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के रख लेते हैं, पानी पीने के लिए स्टोर करते हैं, और यही पानी ये गर्मियों सर्दियों में यहीं से पीते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पानी पीने के लिए यहाँ पे एक मखसूस जगह बनाई हुई है। दूसरी तरफ ये बच्चों के खेलने के लिए एक सेन बनाया गया है, यहाँ पे जो बच्चे हैं सारा दिन खेलते हैं इसी मिट्टी में, खेल कूद कर ये बच्चे पढ़ते भी हैं, यही सब कुछ करते हैं। तो दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि ये घर का एक माहौल है, बिल्कुल गांव का माहौल है। और यहाँ पे वो देख सकते हैं कि यहाँ पे चोलिस्तान की लकड़ी है वही इस्तेमाल की जाती हैं, जो इससे वो खाना पकाते हैं, इसके साथ साथ गर्मी हो या सर्दी हो इसके लिए पानी गर्म करने के लिए। तो ये इनका एक छोटा सा मकान है, घर है, जहाँ पे इनका ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मखसूस जसमान है, और ये किचन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो चूल्हा बना हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे जंगल की लकड़ियाँ रखी हुई हैं। आप इसकी जो छत देख सकते हैं वो भी बिल्कुल जंगली लकड़ियों से तैयार की गई है, इसमें कोई भी सरिया या कुछ भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला है वो पानी का, उसके बाद है बिजली का, क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है चोलिस्तान और सहरा होने की वजह से। तो ये सहरा में किस तरह बसर करते हैं, यहाँ पे इन्होंने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं जिससे अपना ये गुजर बसर करते हैं, इसी से अपने मोबाइल फ़ोन चार्जेस करते हैं, और इसी के साथ वो है वो रात के कुछ लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। तो दूसरी जानब इस घर की जो मालकिन है, इस घर की जो माँ जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे वो किस तरह उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कोशिश जो आपको इस वीडियो में दिखा सके। इस वीडियो में जो आपको माँ जी और इसका घर दिखाया गया है, इस माँ की ख़ास बातें जो आपको मैं बताना वीडियो में भूल गया है, लास्ट भी बता रहा हूँ कि इस माँ के एक पीछे आप देख सकते हैं माँ जी की एक बेटी बैठी हुई है, वो एक मौसम मर्ज में मुबतला है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर से दूर होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए भी कहीं दूर जाना पड़ता है, और दूर जाने की वजह से उनके पास कुछ ऐसे वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो इलाज कराने से दरकार है, वो इलाज उनका मुमकिन नहीं है। तो ये एक इनका एक घर पे, यानी एक मकान पे मुश्तमिल इनका पूरा घर है, जहाँ पे इनकी जो कुल कायनात है ये इसी घर पे आबाद है। यही एक कमरा है जहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो ये लोग यही इसी पे गुजारा करते हैं। इस कमरे की जो हालत है वो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये चंद चीज़ें हैं जो सामान है ये इस घर में जो पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनके पास ऐसा कोई ज़रिया माश नहीं है, ऐसा ज़रिया वसाइल नहीं है जैसे वो जिससे वो ज़िंदगी इनकी आसान हो सके। तो यहाँ पे इनकी बात की जाए तो यहाँ पे जो ज़िंदगी बहुत कठिन है, ये बहुत ही मुश्किल है, यहाँ इन पर जो ज़िंदगी गुजारना है वो एक कहीं इम्तहान से कम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।